हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लंबे बालों में लेयर हेयर कट कैसे करें, और बहुत ही इजी तरीका बताया है। बहुत ही आसानी से आप ये वीडियो देख के हेयर कट सीख सकते हो। तो अगर आपको हेयर कट में कुछ भी डाउट हो और अच्छे से ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर समझ में आ जाए तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसपे मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज एंड कपड़ों की कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। तो हाल ही में मैं ये वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोज अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। और इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल को भी फुल सपोर्ट कीजिए, फुल प्यार दीजिए, ताकि इस चैनल की तरह वो भी चैनल ग्रो कर पाए। तो और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24। इंस्टाग्राम पे अगर आपको मेरी पिक्स एंड रील्स वीडियो देखने में इंटरेस्ट हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने यहाँ से फर्स्ट लेयर लिया इनकी, और कितने ज़्यादा लॉन्ग यहाँ से हेयर इनके निकलने वाले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लेंथ है। लेकिन लेयर कट में तो फ्रंट से हेयर शॉर्ट होते ही हैं, बाकी बैक से आपका बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होगा। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखते जाइए। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ, तो वहाँ पर मेरे पास सीजर वगैरह नहीं है, तो मैं यहाँ पर कपड़े काटने वाले सीजर से ही हेयर कट कर रही हूँ। तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखते रहिए, सीजर पे आप ध्यान मत दीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट लेयर मैंने इतना शॉर्ट किया है, फिर सेकंड लेयर लेंगे, बीच की मांग निकाल देनी है। और इस तरीके से ड्राई हेयर की रिक्वेस्ट हमेशा आती रहती है कि मैम ड्राई हेयर पे कट करो, तो इस तरीके से मैं ड्राई हेयर पे ही कट कर रही हूँ। और आप देख सकते हो, जैसे पतली पतली लेयर्स लेके एकदम स्ट्रेट आगे की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे हेयर को, एकदम नोज के सामने। काफ़ी ज़्यादा बाल सिल्की एंड शाइनिंग भी हैं। ये देखिए, ये वाली हमारी गाइडलाइन है, उसके जो जैसे ही गाइडलाइन आपकी छूटती है वैसे ही नेक्स्ट लेयर को आपको कट कर देना है। और इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल पे जरूर जाइएगा, एक बार चेकआउट जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे और वहाँ पे सब कुछ अच्छा लगे आपको, तो वहाँ पर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रो कराने में हेल्प कीजिए। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लॉन्ग हेयर्स निकल रही हैं। तो इस तरीके से कुछ इसका लुक आएगा, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, फाइनल लुक देखने के लिए। वीडियो के एंड में आपको फाइनल लुक भी देखने को मिलेगा। फिर से पतली सी लेयर लेंगे। मैं इनसे पूछ रही थी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग निकल रहे हैं, लेकिन आपका हेयर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होगा। फिर मैंने पतली सी लेयर ली और एकदम स्ट्रेट आगे की तरफ कॉम करके लेके जाऊँगी। ओके, इस तरीके से। और जो हमने कट किया वो हेयर जैसे ही निकलेंगे, ऐसे बीच की मांग निकाल के वो वाले हेयर आगे कर दो। एक साइड के हेयर को आगे की तरफ रखिए और फिर पतली पतली लेयर्स लीजिए और स्ट्रेट कॉम करके एकदम नाक के सामने लाके, नोज के सामने एकदम सेंटर में लाके, जैसे ही आपने जो हेयर कट किया था वो लेयर निकलते ही वहाँ से कटिंग कर दोगे आगे का। बहुत ही परफेक्ट लेयर आता है इस तरीके से, फुल लेयर हेयर कट है। लॉन्ग लंबे बालों में फुल लेयर हेयर कट। फिर से यहाँ से हेयर लेंगे और आगे की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे इसको। देख सकते हो कितने लंबे बाल हैं। ओके, अब फिर से हम लोग को वही प्रोसेस दोबारा करना है, रिपीट रिपीट करते जाना है जब तक पूरी लेयर्स एक साइड की कट ना जाए। ओके, देखिए जैसे ही लेयर निकलेगा आपने जो कट किया था उसके निकलते ही बाकी के लेयर्स को कट कर देना है। ओके, अब जो बचे हुए हेयर हैं पूरा ले लेंगे एक साथ ही
और एकदम सामने की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपने बीच की मांग निकाली है उस साइड के हेयर इस साइड बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके से एकदम फ्रंट में लेके जाएंगे। और लेयर कट के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जो मैं आपको बताते जाऊंगी, मेरे चैनल के साथ बने रहोगे तो। मैंने सीधा एकदम सारे बालों को एक साथ पकड़ लिया है। देखिए इनकी लेंथ एकदम थोड़ी सी गई है, बिल्कुल भी लेंथ ज़्यादा कट नहीं हुई है। ये देखिए एकदम इतनी सी लेंथ इनकी निकली है, लेंथ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं निकली है। अब इधर के हेयर्स को देखिए कितनी प्यारे से प्यारी सी कटिंग आई है साइड से। और जैसे इस वाले कटिंग में आप पोनी बनाओ, क्लचर लगाओ, बहुत ही प्यारा लुक आता है। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपको कट करना है, जो हमने उस साइड का गाइडलाइन ले लिया। जैसे उधर से जो लेयर हमने किया था बीच से, एकदम सेंटर से हेयर को उठाएंगे और उस साइड का लेयर ले लेंगे, और जो इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है उसको कट कर देंगे। इससे दोनों साइड का लेयर एकदम इक्वल होगा। और फिर उधर के हेयर को उधर कर देंगे और इस साइड के हेयर्स को गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट करते जाएंगे। चेक कर करके कट करना है। जैसे ये मैंने हेयर ले लिया, फिर उस साइड का थोड़ा सा लेयर उठाएंगे। पहले आप इस तरीके से कट कर दो, यहाँ से हेयर उठा के इस तरीके से चेक कर लो कि बराबर है या नहीं। इससे क्या होगा कि दोनों साइड जो हमारे हेयर कट होंगे सेम होंगे और छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ऐसे चेक कर करके ही कट करना है। ओके, और फिर जैसे आपने उस साइड हेयर कट किया था वैसे ही इधर का भी कट करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब जब आप कट कर रहे हो तो जितनी बार आपने लेयर लिया था उस साइड, वो लेयर उठा के चेक ज़रूर करना है कि दोनों साइड से छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो इधर से ले लिया, फिर से हमने दूसरा वाला लेयर लिया और बराबर है। जैसे जहाँ से भी आप ऐसे पार्टिंग ले रहे हो तो उस साइड के पार्टिंग के बराबर ही लेके और चेक करना है। यहाँ से उठाया और ऐसे चेक किया और इसके अकॉर्डिंग हेयर को कट कर देंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लेके भी कट कर सकते हो, उससे भी बहुत परफेक्ट आपकी कटिंग आ जाएगी। और फिर इसी तरीके से लेयर लीजिए, चेक कीजिए और कट कीजिए। ओके, एकदम स्ट्रेट आगे की तरफ लेके जाना है। फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप लेयर को उठाओगे और चेक करोगे, और जहाँ से भी बराबर आ रहा है वहाँ पे आप कट कर दोगे। आई होप कि आप लोग को वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा हो अच्छे से। और गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को देखिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज। यहाँ से फिर से मैंने ले लिया, इसको स्ट्रेट कॉम करके आगे की तरफ लेके जाएंगे। ओके, मैंने बिल्कुल भी वीडियो को ना तो फास्ट किया है ना ही भगाया है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ना ही कट किया है कहीं से। तो लेयर्स ले लेके इस तरीके से गाइडलाइन देखते हुए हेयर को कट करेंगे। ओके, अब लास्ट जो बचा है उसको ले लेंगे और स्ट्रेट आगे की तरफ कॉम करके ले जाएंगे। ओके, अभी बैक से एकदम एक लेयर लेंगे। ये देखिए ये वाली लेयर हमने उठाई है, एकदम आगे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे बराबर मिला के, और एक्स्ट्रा हेयर को इस तरीके से कट कर देंगे। अभी सारे हेयर को एक साथ पीछे लेके जाएंगे और फिनिशिंग देंगे बालों में। बहुत ही प्यारा सा कट आता है इस तरीके से भी।
ओके तो आप चाहो तो बैक से ऐसे स्ट्रेट भी छोड़ सकते हो, चाहो तो यू में ला सकते हो, या फिर आप लेयर्स यू में वी में कैसे भी ला सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस मानो तो आपको बराबर ही छोड़ देना चाहिए, स्ट्रेट में छोड़ देना चाहिए, इससे वॉल्यूम कम नहीं लगता। आप देख सकते हो कितना प्यारा कट आया है। बाकी आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको कट, और अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो लंबे बालों में आप इस तरीके की कटिंग दे सकते हो, और ये क्लचर लगाएंगे बहुत ही प्यारा सा लुक दिखेगा। ओके तो कैसा लगा जरूर बताइएगा गाइस कमेंट बॉक्स में। तो मैं बार बार इसमें क्लचर वगैरह इस तरीके से पकड़ के दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कैसा लग रहा है आप लोग को हेयर कट। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, और सारे लेयर्स अच्छे से दिख भी रहे हों आपको बालों में। मैंने यहाँ पे बालों को गीला नहीं किया था, क्योंकि ड्राई कट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इस वजह से गीले वालों में, या फिर आप अच्छे से सेट करोगे तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कट कर दे रही थी, तो ये आप देख सकते हो, और ऐसे आप यहाँ पे क्लचर लगाओगे बहुत ही प्यारा लुक आएगा। और ये था फाइनल लुक सारे देख के आपको। उसके बाद मैंने ये हेयर कट किए थे, जो मैंने हाथों में लेके यहाँ पे पिक्चर्स भी क्लिक किए हैं, बट मैं ये हेयर लेके नहीं आ पाई हूँ। तो कैसी लगी आप लोग को इनका हेयर कट? आई होप कि पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, हेयर कट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाती। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।